हाँ तो यार कैसे हो अब यार। देखो इस टाइम पीरियड पे जो आप लोग को डेली 1.5 GB डाटा देखने को मिलता है वो आपका कब खत्म हो जाता है आपको पता ही नहीं चलता है। प्लस भाई आप लोग काफी स्लो इंटरनेट देखने को मिलता है एंड आपको घर बैठे यहाँ पर कुछ काम होता होगा इंटरनेट के थ्रू एंड आपको हाई स्पीड इंटरनेट चाहिए होता होगा। इसलिए आप लोग यहाँ पर सोचते होगे किस तरीका से आप लोग अपने घर पे एक वाईफाई सेटअप करवा सकते हो। बट यहाँ पर आप लोग के सामने काफी सारे प्रॉब्लम निकल के आते होंगे, जैसे कि वाईफाई सेटअप कैसे करवाए, कौन से कंपनी का ब्रॉडबैंड लेंगे, जो लोकल सर्विस प्रोवाइडर होगा उनसे यहाँ पर ब्रॉडबैंड लगवाएंगे या फिर जो बड़े बड़े कंपनी होते हैं जियो एयरटेल उनका यहाँ पर ब्रॉडबैंड लगवाएंगे, कौन सा सबसे सस्ता पड़ने वाला है, राउटर कौन सा लेंगे, कितना रुपए का प्लान मिलेगा, सारे चीजें गाइस आज के वाले वीडियो के अंदर यहाँ पर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो यार बस आप लोगों को वीडियो को पूरा देख लेना अगर आप लोग अपने घर पे वाईफाई लगवाना चाहते हो तो, क्योंकि यार ये वीडियो आप लोग के लिए काफी ज्यादा नॉलेजफुल होने वाला है। चलो यार वीडियो को स्टार्ट करते हैं, उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं करा है तो यार वीडियो को आप लोग को लाइक करना, साथ में चैनल पर नहीं आ रहे हो आप लोग को सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन को ऑल पे करना है क्योंकि गाइस इस चैनल पर मैं आप लोग के लिए ऐसे रियल एंड जेन्युइन कंटेंट लाता हूं। अब चलो यार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ जी यार, सबसे पहले यहाँ पर मैं आप लोगों को ये दिखाना चाहूंगा गाइज मैंने अपने घर पे कौन कौन से कंपनी का ब्रॉडबैंड लगवा के रखा है एंड क्या मैं केपेबल हूँ ये वाला वीडियो बनाने के लिए। ये रहा हमारा एयरटेल एक्सट्रीम ब्रॉडबैंड एंड यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये रहा हमारा लोकल सर्विस प्रोवाइडर। साथ में यहाँ पर भाई मैंने एक और लोकल सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू मैंने डी लिंक का ब्रॉडबैंड को लगवाया था, लेकिन अभी फिलहाल के लिए यहाँ पर मैंने इस पे रिचार्ज नहीं करवाया है। हाँ तो यार अब चलो मैं आप लोग को ये बताता हूँ आप लोग किस तरीका से अपने घर पे वाईफाई सेटअप करवा सकते हो। तो पहले हम लोग यहाँ पर ये बात करेंगे आप लोग किस तरीका से लोकल सर्विस प्रोवाइडर यानी कि गैस जो आपके एरिया पे वाईफाई को प्रोवाइड करते हैं उनसे यहाँ पर किस तरीका से आप लोग यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो एंड घर पे यहाँ पर वाईफाई को लगवा सकते हो। एंड उसके बाद से यहाँ पर मैं आप लोगों को बताऊंगा गाइस जो बड़े बड़े कंपनी होते हैं जैसे कि एयरटेल एक्सट्रीम ब्रॉडबैंड, जियो गीगा फाइवर ब्रॉडबैंड, उनका ब्रॉडबैंड आप लोग यहाँ पर घर पे कैसे लगवा सकते हो एंड कौन सा बेस्ट रहेगा, लोकल सर्विस प्रोवाइडर वाला या फिर जो बड़े बड़े कंपनी ब्रॉडबैंड प्रोवाइड करते हैं वो वाला, एंड कौन सा सबसे सस्ता रहेगा। तो यार देखो जो आपके एरिया पे सेटअप बॉक्स प्रोवाइड करते हैं सिंपली आप लोग को उनसे कॉन्टैक्ट करना है एंड यहाँ पर बात करना है कि मेरे को घर पे यहाँ पर वाईफाई लगवाना है, क्या यहाँ पर इंस्टॉलेशन चार्ज रहेगा, कितना डाउनलोडिंग स्पीड देखने को मिलेगा, कितना अपलोडिंग स्पीड देखने को मिलेगा, क्या यहाँ पर प्लान रहेगा, सारे चीजें आपको यहाँ पर उनसे पूछनी है। अगर आपको पसंद आता है तो आप लोग लोकल सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू भी यहाँ पर आप लोग घर पे वाईफाई सेटअप करवा सकते हो। एंड सेकेंडली गाइस सिंपली आप लोग को अपना मोबाइल फोन को उठाना है, लोकेशन को ऑन करना है, उसके बाद से गूगल पे सर्च कर देना है ब्रॉडबैंड प्रोवाइडर नियर मी, उसके बाद से जितने भी आपके एरिया पे यहाँ पर ब्रॉडबैंड प्रोवाइड करते होंगे आपको सारे का यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे कॉन्टैक्ट नंबर के साथ। यहाँ पर आप लोग को सिंपली रेटिंग चेक कर लेना है, जिसका भी आप लोग को बेस्ट रेटिंग देखने को मिले आप लोग को उनको कॉल कर देना है एंड सिंपली यहाँ पर आप लोग को पूछना है कि यहाँ पर कितना इंस्टॉलेशन चार्ज रहेगा, क्या यहाँ पर प्लान है, कितना स्पीड देखने को मिलेगा, सारी चीजें आप लोग को यहाँ पर पूछनी है। उसके बाद से अगर आपको पसंद आए तो आपको यहाँ पर अपना एड्रेस दे देना है, वो आपके घर पे आएंगे एंड यहाँ पर आप लोग को वाईफाई यहाँ पर लगा के चले जाएंगे। तो अगर आप लोग लोकल सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू अगर आप लोग घर पे वाईफाई सेटअप करवा रहे हो तो गाइस आप लोग को एवरेज में आप लोग को बताऊं तो इंस्टॉलेशन चार्ज 2000 यहाँ पर लग जाएगा प्लान के साथ। एंड साथ में आप लोग को बताना चाहूंगा काफी सारे लोग ऐसे होंगे जो ऐसे एरिया पे रहते होंगे जहां पर किसी ने भी वाईफाई नहीं लगा के रखा है, इसलिए गाइस जो ब्रॉडबैंड वाले होते हैं उनको यहाँ पर तार पहुंचाना पड़ेगा आपके घर तक और काफी लंबा तार लग जाएगा, इसलिए गाइस जो यहाँ पर तार का कॉस्ट होता है उसको भी आप लोग को यहाँ पर देना पड़ेगा, इसलिए आपका इंस्टॉलेशन चार्ज उस पर यहाँ पर इंक्रीज हो सकता है। लेकिन गाइस अगर आपके घर पे बगल पे यहाँ पर किसी ने लगा के रखा है तो भाई आपको यहाँ पर कम दाम पड़ेगा। एंड यहाँ पर मैं आप लोग को एक प्लान बता देता हूँ जो यहाँ पर मेरा लोकल सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू जो यहाँ पर मैंने ब्रॉडबैंड लगवाया है उसका यहाँ पर एक प्लान मैंने यहाँ पर लिया है जो कि है 570 रुपीज का, जो कि मेरे को यहाँ पर 30 Mbps प्रोवाइड करता है। तो यार देखो यहाँ पर मैंने लोकल सर्विस प्रोवाइडर से यहाँ पर मैंने टोटल 2 ब्रॉडबैंड अभी तक यहाँ पर लगवा लिया है। पहले तो यहाँ पर मैंने अलायंस का लगवाया था जिसमें मैंने यहाँ पर रिचार्ज करवा के रखा है, लेकिन दूसरा यहाँ पर सिटी था, जैसे कि आप लोग देख पर अभी ये यूज में नहीं है, यहाँ पर सिंपली ये साइड पर रखा हुआ रहता है क्योंकि यहाँ पर जो सिटी का ब्रॉडबैंड था यहाँ पर अच्छा था, काफी अच्छा स्पीड देता था, लेकिन जब से यहाँ पर मैंने एयरटेल ब्रॉडबैंड को लगवाया तो सिटी का यहाँ पर जरूरत ही नहीं पड़ा, इसलिए अब मैं सिटी पर रिचार्ज नहीं करवाता हूँ, यहाँ पर अलायंस एंड एयरटेल ब्रॉडबैंड पर यहाँ पर मैं रिचार्ज करवाता हूँ। एंड अभी हम लोग यहाँ पर ये बात कर लेते हैं गाइज आप लोग किस तरीका से एयरटेल एक्सट्रीम ब्रॉडबैंड को आप लोग अपने घर पे लगवा सकते हो। तो यार देखो बहुत ही इजी है, सिंपली गाइज आप लोग एयरटेल ऐप पे जा सकते हो या फिर गाइज आप लोग एयरटेल ब्रॉडबैंड करके सर्च कर सकते हो गूगल पे, आप लोग को एक वेबसाइट देखने को मिल जाएगा, वहां पर सिंपली आप लोग को अपने नंबर को डाल देना है, उसके बाद से आपसे एड्रेस पूछा जाएगा, आप लोग को यहाँ पर वो डाल देना है, जैसे आप लोग सारा इन्फॉर्मेशन डाल दोगे उसके बाद से गाइज आपको 1 घंटा के अंदर ही आपको कॉल आ जाएगा कि आपको यहाँ पर कहाँ पर वाईफाई लगवाना है, आपसे एड्रेस वगैरह पूछेगा, आपसे बात करेगा, आप उनसे यहाँ पर सारी चीजें यहाँ पर डिस्कस कर सकते हो, क्या यहाँ पर प्लान रहने वाला है, कितना यहाँ पर इंस्टॉलेशन चार्ज रहने वाला है। वैसे यहाँ पर मैं आप लोग को बता देता हूँ कितना यहाँ पर इंस्टॉलेशन चार्ज रहेगा, कितना यहाँ पर प्लान रहेगा। तो यार देखो एयरटेल वाले को यहाँ पर इंस्टॉलेशन चार्ज 1000 रुपया रहता है एंड यहाँ पर आप लोग को प्लान खरीदना पड़ता है, तो प्लान लेकर यहाँ पर आप लोग को 1700 पड़ जाता है विद GST।
एंड यार एयरटेल ब्रॉडबैंड पे गाइस आप लोग को मिनिमम प्राइस का प्लान देखने को मिलता है 499 का, जो कि आपको 40 Mbps प्रोवाइड करते हैं। एंड यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा गाइस, जो हमारा एयरटेल एक्सट्रीम ब्रॉडबैंड है ना, वो यार क्या ही मैं आप लोग को बोलूँ, काफी मस्त ब्रॉडबैंड है, काफी अच्छा स्पीड यहाँ पर देखने को मिलता है। मतलब कि 40 Mbps आप लोग को बताया जा रहा है, लेकिन उससे ज्यादा ही आप लोग को देखने को मिलता है, 50 Mbps तक यहाँ पर चला जाता है। एंड अभी गाइस हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं आप लोग किस तरीके से जियो गीगा फाइबर का वाईफाई आप लोग अपने घर पे लगवा सकते हो। तो गाइस सिंपली आप लोग क्या करना है, जियो ऐप आप लोग जा सकते हो, वहां पर आप लोग को ब्रॉडबैंड देखने को मिल जाएगा, या फिर आप लोग सिंपली यहाँ पर सर्च कर सकते हो यहाँ पर जियो ब्रॉडबैंड, तो गाइस आप लोग को एक वेबसाइट देखने को मिल जाएगा, वहां पर जाके आप लोग को यहाँ पर सारे डिटेल्स देखने को मिल जाएंगे। सिंपली आप लोग को अपना नंबर को डाल देना है, अपना एड्रेस को डाल देना है एंड सबमिट करना। आपको एक घंटे के अंदर यहाँ पर कॉल आएगा। एंड यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा भाई, देखो कॉल आपको तभी आएगा जब आपके एरिया पे जियो गीगा फाइबर या फिर जो हमारा एयरटेल एक्सट्रीम ब्रॉडबैंड है वो यहाँ पर मौजूद होगा, ओके। एंड यहाँ पर मैं आप लोगों को जियो गीगा फाइबर का भी यहाँ पर मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। तो यार देखो उनका भी गाइस इंस्टॉलेशन प्राइस बिल्कुल यहाँ पर सेम है एयरटेल एक्सट्रीम ब्रॉडबैंड का जैसा ही। भाई देखो यहाँ पर 1700 के अंदर आपका इंस्टॉलेशन प्राइस यहाँ पर लगने वाला है। एंड जियो गीगा फाइबर का यहाँ पर मिनिमम प्राइस है प्लान का 399 पे आप लोग को 30 Mbps देखने को मिलता है जियो गीगा फाइबर का। एंड यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा गाइस, जो हमारा जियो गीगा फाइबर का स्पीड है वो भी गाइस काफी कमाल का, काफी मस्त स्पीड आप लोग को देखने को मिलता है। एंड अभी गाइस हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं गाइस, आप लोग को यहाँ पर कौन सा सर्विस प्रोवाइडर से आप लोग को यहाँ पर वाईफाई अपने घर पे लगवाना चाहिए। क्या आप लोग को लोकल सर्विस प्रोवाइडर से यहाँ पर वाईफाई लगवाना चाहिए या फिर जो हमारे बड़े बड़े कंपनी होती है जैसे कि एयरटेल जियो वो सबसे। तो यहाँ पर मैं आप लोग को बताना चाहूंगा, अगर गाइस आप लोग एयरटेल का या फिर जियो का अपने घर पे यहाँ पर वाईफाई सेटअप करवा रहे हो, तो गाइस एक तो गाइस आप लोग को यहाँ पर कम कॉस्ट पड़ता है, प्लस भाई आप लोग को बेस्ट स्पीड देखने को मिलता है। बट यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा भाई, देखो काफी सारे एरिया पे यहाँ पर जो हमारा एयरटेल एंड जियो ब्रॉडबैंड है वो यहाँ पर मौजूद नहीं है, इसलिए गाइस जो आपका लोकल सर्विस प्रोवाइडर पे आप लोग को यहाँ एक बार चेक करना है। यहाँ पर आप लोग सिंपली गूगल पे लिखना आप लोग को यहाँ पर रेटिंग के साथ देखने को मिलता है, जिसका भी ज्यादा रेटिंग रहे आप उनसे कॉन्टेक्ट करो। एंड एक बार गाइस आप उनसे स्पीड जरूर पूछना कि कितना डाउनलोडिंग स्पीड आता है, कितना अपलोडिंग स्पीड आता है, देख समझ के आप लोग यहाँ पर घर पे वाईफाई लगवाना, वरना गाइस आप लोग को यहाँ पर दोबारा इंस्टॉलेशन चार्ज लग जाएगा अगर आपको यहाँ पर दूसरा वाईफाई यहाँ पर लगवाना रहेगा तो। इसलिए गाइस आप लोग को यहाँ पर देख समझ के आप लोग को यहाँ पर घर पे वाईफाई सेटअप करवाना है। तो या गाइस आई होप आप लोग समझ गए हो किस तरीके से आप लोग अपने घर पे वाईफाई सेटअप करवा सकते हो। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को आप लोग को लाइक करना है, साथ में चैनल पे नहीं आ रहे हो आप लोग को सब्सक्राइब करना है, साथ में बेल आइकन को ऑल पे करना है, क्योंकि गाइस इस चैनल पे मैं आप लोग के लिए ऐसे रियल एंड जेन्युइन कंटेंट लाता हूं। चलो गाइस वीडियो को यहीं पर एंड करते, तब तक के लिए कीप वॉचिंग टू व्हाइट रेथिक एंड गाइस जय हिंद, वंदे मातरम।